जय हिंद जय भारत। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम भारत की आज़ादी से लेकर संविधान बनने तक की पूरी कहानी को समझेंगे, तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें कुल 389 सदस्यों को चुन लिया गया, मगर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में केवल 299 सदस्य ही रह गए। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को कर लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इस प्रकार से कहा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। इसके बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। इसके बाद संविधान सभा को तेज गति से कार्य पूरा करने के लिए 22 समितियों में बांट दिया गया, जिनमें से 8 समितियां प्रमुख थी। इन्हीं में से एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके बाद संविधान सभा को एक विशाल भारत के लिए संविधान बनाना था, इसलिए हर वर्ग और हर धर्म को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास से संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, जिसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। इसके बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी ही वह दिन था जब 26 जनवरी 1930 को भारत के नेताओं ने भारत को आज़ादी दिलाने की कसम खाई थी। इसलिए 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको क्या पसंद आई या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।